हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज ना मैं आपसे ना ही आज मैं कोई व्लॉग लेके आ रही हूँ, ना कोई कुकिंग रेसिपी है और ना ही किसी प्रोडक्ट का रिव्यू है। तो आज हम बात कर रहे हैं ना, अभी जो ट्रेंड में टॉपिक चल रहा है यूट्यूब पर, इन बोला जाए जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है यूट्यूब पर, उसके बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि बहुत हो गया यार, बहुत हो गया। कितने दिन हो गए, आई थिंक 15 दिन से ये सारी चीज़ें चल रही है और ये मतलब बढ़ता ही जा रहा है। जितना डीप में जाएंगे ना, उतने आपको इसके आसपास ऐसा लग रहा है कि ये कभी तो ऐसा लगता है कि कहीं ये इन लोगों का सबका व्यूज के लिए कोई गेम प्लान तो नहीं है, या फिर सच में ऐसा है। बट सीरियसली अगर ये सच में ऐसा है तो बहुत गलत है, क्योंकि स्टार्टिंग ही इसकी गलत है। आप भाई बहन बने पहले, पहले आपकी दोस्ती हुई, सबसे पहले सॉरी भाई बहन तो बाद में बने, पहले आपकी दोस्ती हुई, आपने एक दूसरे का साथ दिया। स्पेशली सचिन जी ने नेहा जी का बहुत साथ दिया, उन्हें ग्रो करना था तो उन्होंने उनका साथ मांगा, उनका हाथ पकड़ा, जो भी है। फिर वो लोग बने भाई बहन, नेहा जी ने सचिन जी को बांधी राखी, यहाँ तक सब कुछ परफेक्ट था। फिर इन लोगों के फैमिली टर्म्स हुए, फिर आपस में आना जाना स्टार्ट हुआ, जो भी है। फिर एक इनका ग्रुप बना, नीतू जी और नेहा जी, सचिन, मनीषा, सरिता, मतलब एक ओवरऑल एक अच्छा सा ग्रुप बन गया, एक अच्छा बॉन्ड बन गया। थोड़ी दिन पहले एक ब्लास्ट हुआ जिसमें सरिता जी को पूरी तरह से गलत ठहराया गया। उनके जो सपोर्ट में थे, जो उनके फैंस थे और जो इनके फैंस थे, मतलब बहुत ज़्यादा तब भी बहस हो गया था। ठीक है, वो जैसे तैसे ख़त्म हुआ, उन्होंने उन पर खूब इल्ज़ाम लगाए, इन्होंने खूब एक दूसरे पर किया, वो सब कुछ ठीक था। शायद इसकी जड़ ही यही थी, इन लोगों की जो बीच में जो क्या बोलना चाहिए कि बीच में जो डिस्टेंस हुआ इनके, शायद यही एक रिलेशनशिप था जिसकी वजह से इन लोगों के बीच में भी दूरियां बन गई। तो चले छोड़ते हैं उसको। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मनीषा की गलती है। भाई आप खुद बताइए, वो लड़की कुछ चोट खाई हुई है, उसका खुद का पति उसे धोखा दे रहा था, वो जिसे फ्रेंड मानती थी, दीदी बोलती थी, नेहा दी नेहा दी नेहा दी, जगत दीदी हो गई थी वो उन्हें दीदी मानती थी, एज ए फ्रेंड, एज ए ननंद जैसा भी उनका रिश्ता था, उन्होंने उन्हें धोखा दिया। तो नेहा कहाँ से गलत, सॉरी मनीषा कहाँ से गलत है। मनीषा गलत है जब उससे थोड़ा सा भनक मिला, थोड़ा सा जब हिंट हुआ, थोड़ा सा मन में शंका हुई, तभी उसे रिएक्ट करना था, तो शायद बात आज इतनी नहीं बढ़ती। और शायद उन्होंने किया भी होगा। हर चीज़ हमें नहीं बताई जाती है, हम लोगों को नहीं दिखाया जाता है कि अंदर क्या चल रहा है, हम वही देखते हैं जो शुगर कोट कर कर हमें दिखाया जाता है। उसे प्रॉब्लम होने लगी थी थोड़ी थोड़ी सी, वो ऑटोमेटिकली उसके फेस पर, व्लॉग्स में, शॉर्ट्स में, सब चीज़ों पर दिखाई देती थी। उसके चेहरे पे वो हंसी नहीं होती थी। वो भोपाल आती थी ज़रूर नेहा दी के घर, बट उसके चेहरे पर वो मुस्कान जो होती है ना, वो नहीं थी। फिर बोला जा रहा है कि नेहा दी की पूरी फैमिली है जो उनके सब कुछ जानती थी और उसके बाद भी उन्हें नहीं रोका, तो शायद कहीं ना कहीं उनकी फैमिली की गलती है। और ये चीज़ मनीषा ने भी मेंशन की है कि उन्होंने उनके भाई, नेहा के भाई अभय को बोला था कि इन लोगों के बीच में ऐसा कुछ चल रहा है, तो आप प्लीज़ बात कीजिए या इन लोगों को अलग कीजिए। उन्होंने वहाँ पर स्टैंड नहीं लिया और अब आकर लाइफ में कितनी कुछ बातें बोल रहे हैं। फिर बात आती है नीतू महना की, कि नीतू महना सब कुछ जानती थी, उन्होंने दोस्ती में गलत का साथ दिया, सही का साथ दिया। कभी कभी इंसान बहुत मजबूर हो जाता है अपने दोस्त का साथ देने के लिए, वो ना चाहते हुए भी उनका साथ देता है, और नहीं भी देता ना तो लोगों को लगता है कि वो गलत का साथ दे रहा है। गलती सबसे ज़्यादा है नेहा दी, जगत दीदी और सचिन जी की, तो इसमें नीतू दी कैसे। अगर कोई भी है, नीतू दी भी गलत है अगर उनको पता है तो, वो भी गलत है चलिए मान लेते हैं। बट अगर उन्होंने हिंट किया नेहा ने सचिन को या सचिन ने नेहा को, तो उन दोनों ने उसको एक दूसरे को उन्होंने हिंट किया, तो उन्होंने उस हिंट को एक्सेप्ट किया। अगर उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया
इन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया, तब तो रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है। आप बिना किसी को एक सिग्नल दिए, अगर दोनों में से किसी ने भी, दोनों में से स्टार्टिंग किसने की ये नहीं जानते, था तो दोनों तरफ से बराबरी की गलती है, इसमें किसी एक पक्ष की गलती नहीं है। बस हाँ यही है कि सचिन बाहर आकर इन चीज़ों पर माफ़ी मांग रहे हैं या जो भी है, या शायद ये हो सकता है कि वो बौखलाए हुए हैं अभी कि नेहा ने मूव ऑन कर लिया, उन्होंने सगाई कर ली। जैसे ही उनकी सगाई हुई उसके बाद से ये बूम करके बम फूटा और ये सारी चीज़ें धीरे 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 बाहर आ गई। अब गलती किसकी है ये हम लोग बहुत अच्छे से नहीं जानते, इसलिए हम दोनों में से किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। और जो लोग मनीषा को गलत बोलते हैं, भाई वो कितनी मासूम सी लड़की है, उसके चेहरे पे दिखता था, उसके चेहरे पे परेशानी दिखती थी, वो बहुत परेशान लगती थी। पर इस इन सब चीज़ों में ना एक चीज़ बहुत अच्छी है कि उनकी जो सासू माँ हैड्स ऑफ है उनके लिए यार। बहुत कम ऐसी सास होती हैं जो अपनी बहू का साथ देती हैं, चाहे बेटा गलत हो या सही हो। अधिकतर होता क्या है, जो सासू माँ होती है बेटे की माँ होती है, बेटे की फैमिली होती है, वो हमेशा अपने बेटे का साथ देती है, बट आज वो अपनी बहू के साथ खड़ी हैं, इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। गलत मनीष जी हैं, सॉरी सॉरी सचिन जी हैं, मनीषा जी की कोई गलती नहीं है, बिल्कुल गलत है वो। पर अब आगे क्या, ये चीज़ इस तरह से बाहर आई है, हो सकता है कि नेहा दी की जो सगाई हुई है वो भी इफेक्ट हो उस पर, तो और ज़्यादा परेशानी इन लोगों के लिए ही होनी है। मनीषा को ये सब अगर अब करना था तो ये चीज़ थोड़े दिन पहले करना था, अब करने से क्या, अब तो शायद उनके लिए और प्रॉब्लम्स उन्होंने एक तरह से क्रिएट कर ली है कि बाय चांस अगर उनकी सगाई टूट गई तो वो फिर से वहीं आ जाएंगी जहाँ पर वो पहले थी। और क्लियरली ये तो नज़र आता है कि सचिन जो हैं वो नेहा को भूल नहीं पाए हैं, ये जो भी वीडियोस और जो भी बोल रहे लाइफ में आके, ये सब है ना उनके अंदर की भड़ास है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि नेहा ने मूव ऑन कर लिया। सही मेन बखेड़ा जो खड़ा हुआ ना वो वहीं से स्टार्ट हुआ है, ये जो सचिन आगे आकर बोल रहे हैं इसकी गलती उसकी गलती, में किसी के बहकावे में था या मेरा दिमाग काम नहीं करता था या जो भी है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो कोई दूध पीते बच्चे नहीं है, नेहा दी कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, उनके खुद का एक बच्चा है, काफी मैच्योर है, वो एक स्कूल चलाते हैं इतना बड़ा, तो फिर वो कैसे बच्चे हुए, कैसे किसी के बहकावे में आने वाले हुए। उन सब की दोनों की गलती की सजा ना मनीषा को मिली है। सो इस ओवरऑल ना इन सब चीज़ों में पूरी तरह से सचिन और नेहा की गलती है, और नीतू मैना की गलती आई थिंक ये है कि उन्होंने दोस्ती दिल से निभाई, दिल से उन्होंने इस चीज़ की अपने दोस्ती निभाई, अपनी दोस्त का साथ दिया है। और शायद बोला जा रहा है कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था, उन्हें परेशान किया जा रहा था, तो शायद उन्हें उसी समय स्टैंड लेना था, तो शायद उन तक भी ये बात ना आती, उनके हाथ भी ना चलते, ना उनका परिवार ये सब कुछ जो भी फेस करा वो करता। और थोड़ी सी गलती मनीषा की है, ये चीज़ जो इतना स्ट्रॉन्ग कदम उन्होंने अब उठाया वो पहले उठाना था। ओवरऑल गलती दोनों की है, दोनों अडल्ट हैं, दोनों समझदार हैं, दोनों अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, तो इस चीज़ पे ना हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि किसी एक की गलती ज़्यादा है किसी एक की गलती कम है। ये रिलेशनशिप ऐसा होता है जब दोनों तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलता है तभी जाकर ये रिलेशनशिप आगे बढ़ता है, येलो सिग्नल भी होगा ना तब भी ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा। पर दोनों तरफ से हरी झंडी दिखा दी गई है, मतलब 100% आप इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। बस मुझे तो इतना ही कहना था कि जो लोग मनीषा को गलत बोल रहे हैं प्लीज़ वो मनीषा को गलत ना बोलें, मनीषा की कोई गलती नहीं है, उसको तो जस्टिस मिलना चाहिए। और शायद अब इस चीज़ को अभी इन लोगों को यहीं ख़त्म करके दोनों को अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और नीतू दी की कोई गलती नहीं है, शायद उनकी गलती इतनी ही है कि बस उन्होंने दोस्ती निभाई। कभी कभी इंसान मजबूर होता है, हम नहीं जानते वो किस मजबूरी के साथ में मजबूरी से दबा हुआ है कि वो गलत का साथ देता है। सो बस यही सब बातें थी। अगर ये छोटा सा मतलब एक पॉइंट मेरा समझ आया हो, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।